कई लोग हर रोज तुलसी में जल अर्पण करते हैं, माना जाता है तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहता है, तो सही नियम क्या हो है तुलसी में जल अर्पण करने के लिए? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। घर में तुलसी रहना अति आवश्यक है और तुलसी में जल डालना चाहिए, क्योंकि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा आता है घर में। तो आखिर भाई तुलसी में जल हम कैसे डालें, कैसे पूजा करें, ये प्रश्न उठता है। तो तुलसी में जल डालने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि भीगे हुए वस्त्र में, जैसे स्नान करने के बाद सूखा वस्त्र पहने और जल लोटे में लें। लोटे में जल लेने के बाद आप तुलसी पिंडा के सामने या तुलसी वृक्ष के सामने पूरब मुख करके खड़ा हो जाएं, कभी इधर उधर मुख न करें। पूरब मुख खड़ा हो करके आप दोनों हाथ से लोटे को पकड़ करके तुलसी में ऐसा जल डालें कि लगे कि हम तुलसी का स्नान करा रहे हैं। और स्नान कराने के वक्त आप सूर्य भगवान का ध्यान भी अवश्य करें। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए तुलसी में जल डालें, तुलसी को स्नान कराएं और शाम के समय तुलसी के पास आप दीप घीव का अवश्य जलाएं। और ध्यान रहे कि आप जो तुलसी में जल डाल रहे हैं वह कहीं ये नहीं कि स्नान हम सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद जल डालें, ऐसी नहीं। आप जितना जल्द हो सके सूर्योदय के समय या तो सूर्योदय से कुछ घड़ी पहले, कड़ाई दंड पहले भी आप तुलसी में जल डाल सकते हैं। प्रातः काल 5 बजे से लेकर के सूर्यास्त के बीच में तुलसी में जल डाला जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि दोपहर के पहले ही आप तुलसी का पूजा करें।